की रगर है और जमी तरबतर है, एड़ियो की रगर और जमी तरबतर, चश्मा बहने लगा एक बार एक ज़ईफ औरत रुई की गेठरी लेकर मिस्र की बाजार की तरफ चली, तो रास्ते में एक शख्स ने रोककर कहा कि ऐ बूढ़ी अम्मा आप कहाँ जा रही हो? तो वो कहने लगी कि मैं रुई का गेठरी लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए जा रही हूँ। शेर देखे के पलकों पर लिए हसरते दीदार गई, अरे रोजे पे तेरे नरगिस बीमार गई, है जाने कहां मंजिले सरकारे तो आलम, अरे जिब्राइल की परवाज भी थक हार गई, लगता है सैदाई के फिक्रो तसव्वुर की नगर में, अरे लगता है सैदाई के फिक्रो तसव्वुर की नगर में, बुढ़िया कोई फिर मिस्र के बाजार गई। आइए इसी के साथ साथ मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ शायरे इस्लाम मद्दाहे खैरुल अनाम बुलबुले बागे मदीना जनाब कारी तौहीद अनवर तौहीद साहब से अदबन गुजारिश करते हैं कि वह तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामेईन को। मौजूद सामेईन हजरात, दाइस पर मोतबर उलमाए किराम व शोरा आजम, मैं शुक्रगुजार हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती अज़रुद्दीन साहब बरकातहु मलालिया का, जिनकी मोहब्बत भरी दावत पर मेरी हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। और बहुत सारे लोग ख़ानदान से बिल्कुल अलग थलग बैठे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि आप हिंदुस्तान में हैं कि कब्रिस्तान में हैं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। ज़रा अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही हो तो जो लोग पीछे हैं ज़रा आगे आज़मादा फरमाएं कि या खुदा या खुदा, माशाल्लाह, या खुदा या खुदा, ये जमी आसिमा जर्रो कहकशा, ये हसी गुलसीता रंगो बुए जहां, ये जमी आसिमा जर्रो कहकशा, ये हसी गुलसीता रंगो बुए जहां, सब है जलवा तेरा या खुदा या खुदा, या खुदा या खुदा। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं नया कलाम सुनाऊं, लेकिन अगर आप सुनेंगे और सुनने की यकीनन चाहत होगी तो इंशाल्लाह हमारे शेर पे तुम कम अज कम आप सुभानअल्लाह जरूर कह लीजिएगा इंशाल्लाह। बतौर खास एक मरतब पूरा मजमा हाथ उठा कर बुलंद आवाज से कहिए सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह से कहिए सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह या खुदा रज़ाक तू रहमान तू, रज़ाक तू रहमान तू, कौलहन का सुल्तान तू, रज़ाक तू रहमान तू, कौलहन का सुल्तान तू, मस्कन तेरा है अर्श बरी, मस्कन तेरा है अर्श बरी, तू ही है रब्बुल आलमी या खुदा या। वाह वाह माशाल्लाह बहुत खूब। बिल्कुल आप तैयार नहीं होइएगा, मैं उससे आगे बढ़ूंगा भी नहीं, समझ रहे नहीं, तो आप लोग थोड़ा बेदारी के साथ सुनिए, सुनने सुनाए का माहौल रखिए। आप वाकई नबी के दीवाने हैं
और नबी की मदह सराई जब हो रही हो तो कम से कम सुभानअल्लाह कहनी चाहिए। हाजिर करता हूँ बतौर खास स्टेज की तमाम तरह उलमाए इकराम की दुआ चाहती हूँ। मुलाजा फरमाए हिदायत हो तमाम हजरात मेरी आवाज के साथ आवाज लगाई और पढ़िए या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा कि तू ही माबूद है तू ही मसजूद है तू ही मतलूब है तू ही मकसूद है तू ही माबूद है तू ही मसजूद मतलूब है तू ही मकसूद है नहीं कोई मेरा एक तेरे सेवा नहीं कोई मेरा एक तेरे सेवा तू है मौला मेरा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा माशाल्लाह वाह वाह तने तना जिनको समझ में आ रहा है वहां जाने का माहौल बना रहे हैं। फिर भी मैं जैसे आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तौहीद भाई आप सबर करें जरूर सब आएंगे इंसान जी जी जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा मुझे कोई जरूरत नहीं आप ना भी बोलेंगे मैं अपने अच्छे अच्छे मटेरियल को कहीं और ट्रांसफर कर लूंगा। बतौर खास फरमाए कराम की दुआ चाहते मुलादा फरमाए या खुदा या खुदा या खुदा अब रहा के हाथी का लश्कर चला अबाबिल का बोलिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अब रहा के हाथी का लश्कर चला बन गया वो निशाना अबाबिल का अब रहा मिट गया अब रहा काबा बाकी रहा या खुदा या खुदा जिंदाबाद या खुदा या खुदा। अक्सर प्रोग्राम में तो ये होता है कि चच्चे के बच्चे बहुत बोलते हैं लेकिन आज बच्चे भी बहुत खामोश हैं सिर्फ इसलिए कि चच्चे लोग आगे जगह हाँफ लिए हुए हैं है ना इसलिए खैर कोई बात नहीं। बतौर खास ये भी शेर आपके हवाले करो मुलाजा फरमाए के या खुदा या खुदा या खुदा के हुक्म से तेरे आते चल रही थी छुरी पर न गर्दन कटे के हुक्म से तेरे आतिश गुलिस्ता बनी चल रही थी छुरी पर न गर्दन कटे एड़ियों की रगर और जमीन तर बतर एड़ियों की रगर और जमीन तर बतर चश्मा बहने लगा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा। और इस हमदे बारी ताला का ये आखिरी शेर समाप्त फरमाए फिर इंशाल्लाह एक कलाम और सुनाऊंगा फिर इंशाअल्लाह से सहमत तमाम चाहता हूँ। बतौर खास मुलाजा फरमाए के हर तरह से खुदाया हो टूटा हुआ सरापा गुनाहों में डूबा हुआ हर तरह से खुदाया हो टूटा हुआ सरापा गुना
गुना हो मैं डूबा हुआ, रख ले मेरा भरम कर दे सब पे करम, रख ले मेरा भरम कर दे सब पे करम, बख्श दे हर तू खता या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा।